हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी गार्डन एंड ब्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने किचन के अंदर मॉर्निंग रूटीन में कैसे अपने प्लांट्स के साथ मैं काम करती हूँ और उनको मेंटेन करके रखती हूँ। तो दोस्तों, अभी वजह है मॉर्निंग का 5:30 और मैं उठ गई हूँ। बाहर एकदम अंधेरा है, देख लीजिए मेरे प्लांट्स कैसे दिख रहे हैं किचन के अंदर, और विंडो दोनों विंडो में भी मैं प्लांट्स लगा के रखी हूँ। देखिए मेरे किचन का व्यू देख लीजिए एंट्रेंस से, ये पूरा किचन का व्यू है मेरा, देख लीजिए। ये यहाँ पर शुरू होता है और वहाँ तक, उस विंडो तक फैला है मेरा किचन। ये रेक्टेंगुलर किचन है। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी, चाय बनाने के बाद फिर वॉशरूम से आकर फिर प्लांट्स का थोड़ा केयर करूंगी। और दोस्तों, किचन के अंदर मेरे जितने भी प्लांट्स हैं हमेशा मेरी नज़र के सामने ही रहते हैं, क्योंकि मैं किचन के अंदर ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती हूँ, तो ये मेरे सामने नज़र के सामने ही रहते हैं। तो मैं इनको अच्छे से मेंटेन कर सकती हूँ, कब पानी देना है, कब इनको खाद देना है, तो ये सब अच्छे से कर सकती हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं बना रही हूँ चाय, देख लीजिए। मैं पूरा एक ग्लास चाय पी लेती हूँ उन्हें सुबह सुबह, फिर वॉशरूम जाती हूँ। तो चाय अभी मेरा बन रहा है, चाय पीने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और मैं किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ, ये मुझे बहुत टाइम हमेशा चला जाता है साफ़ सुथरा करने में और प्लांट्स को मेंटेन करने में किचन के अंदर, वरना कीड़े मकोड़े भी किचन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स में जो सॉइल होता है ना, तो उनमें से कीड़े भी आ जाते हैं। और मैं ज़्यादातर प्लांट्स को मैं पानी में ग्रो करती हूँ किचन के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर कीड़े मेरे किचन के अंदर घुस ना आए। तो अभी मेरा चाय बन गया है, तो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर वॉशरूम होकर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों, चाय का टाइम ख़त्म हो गया है, अब बारी आती है ब्रेकफास्ट बनाने की। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, मेरा बेटा भी स्कूल जाएगा खाकर और लेकर भी जाएगा, तो ब्रेकफास्ट और हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, वो लोग, हम दोनों के लिए भी बनाऊंगी। तो आज मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में पराठा, सब्जी का पराठा और टमाटर का चटनी। तो पराठा बनाने के लिए मैं सब्जी ली हूँ, यहाँ पर 3 टमाटर ली हूँ, 2 ऑनियन ली हूँ, बीन्स ली हूँ, मेरे पास जितने भी वेजिटेबल्स अवेलेबल थे मैं उतना ही ली हूँ। आप बीट रूट यहाँ पर ले सकते हैं, कैरोट भी ले सकते हैं, तो मैं इतने ही वेजिटेबल्स और हरी मिर्च मैं इतना लेकर छोटा छोटा काट लूँगी, काट कर फिर पीस लेती हूँ। पीसने के बाद मैं आटा में मिलाकर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालकर आटा गूंथ लूँगी और टमाटर चटनी भी बना लूँगी। तो दोस्तों, अभी मैं सब्जी को अच्छे से धोकर फिर काट रही हूँ, फिर मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो देखो, ये मेरे सामने वाला जो मेरे किचन का स्टोव है, उसके सामने वाला जो विंडो है, तो यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं। यहाँ पर मैं मिर्च का प्लांट रखी हूँ, टमाटर का प्लांट रखी हूँ, 3-4 वेराइटी का डायंथस भी रखी हूँ, और मेरीगोल्ड का प्लांट भी रखी हूँ, और एक सिंगोनियम भी है, और एक क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एक फ्लावरिंग प्लांट है, वो भी रखी हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास जो प्लास्टिक का डिब्बे थे, तो मैं उसको पेंट कर ली हूँ, टेराकोटा कलर और वाइट कलर से पेंट कर ली हूँ। पेंट करके फिर मैं हैंग कर ली हूँ विंडो में। तो दोस्तों, अभी मैं सब्जी काट ली हूँ, अभी मैं मिक्सी में देखिए मैं पीस लेती हूँ, थोड़ा सा नमक डालकर पीस लेती हूँ। पीसने के बाद मैं आटा में डालकर गूंथ लूँगी। तो अभी मैं पीस लेती हूँ। तो दोस्तों, मेरे किचन के अंदर जितने सारे प्लांट्स हैं, तो उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और क्योंकि सॉइल के अंदर अगर रखेंगे तो ज़्यादा कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, लेकिन बाहर की तरफ जो विंडो में, दोनों विंडो में जो जितने भी प्लांट्स हैं, तो वो उसको मैं सॉइल में ही ग्रो की हूँ। तो देखिए, ये हो गया मेरा पेस्ट बन गया है, अभी मैं आटा गूंथ लेती हूँ। ये देखिए, मेरे किचन के जो सामने ये जो वाला है, ये जो विंडो है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। जब मॉर्निंग में इसको खोल लूँ तो कितने सारे फूल, तो साइंसस का फूल है और मेरीगोल्ड का, तो इतना बड़ा बड़ा फूल आया था, लेकिन पता नहीं ठंड के कारण या फिर कोहरा के कारण सारे पत्ते जल गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, यहाँ पर मेरा चटनी बनता है, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन थोड़ा मैं ज़्यादा डाल लूँगी, और वहाँ पर सरसों का थोड़ा करूँ और नमक इतना मैं डाल लेती हूँ। डालकर 5 मिनट के लिए मैं उसको पका कर पीस लूँगी। मैं टमाटर का चटनी का बन गया, अभी मैं बनाऊँगी पराठा। तो पराठा बना रही हूँ, पराठा बनाते बनाते ये जो सामने वाला व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है,
तो ये अगर खोल लेते हैं तो और भी जो फ्रेश हवा आता है ना वो बहुत अच्छा महसूस होता है सुबह सुबह। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा अभी भी कोहरा है बाहर की तरफ, धूप नहीं आई है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसको ना पूरा और भी प्लांट्स के साथ पूरा इसको कवर कर लूँ, क्योंकि अभी समर आ रहा है ना तो ज़्यादा धूप गिरेगा, तो ये जो प्लांट्स अगर आएगा ये अगर मैं रख लूँगी तो नेचुरल कॉटन के तरफ ये काम करेगा, जैसे ग्रीन कॉटन होता है ना तो उस तरफ पर ये काम करेंगे, जितने भी प्लांट्स मेरे रहेंगे विंडो के विंडो में हैंग करके रखूँगी। तो देखिए अभी पराठा बन रहा है और मेरे प्लांटों को कितना अच्छे से कलर, क्यों ज़्यादा मेहनत नहीं, क्यों ज़्यादा मतलब मुझे ड्राइंग आर्ट का उतना नहीं है, मुझे आर्ट नहीं आता है, बस जैसे भी आता है पेंट कर दी हूँ, लेकिन अच्छा लगता है ये जो व्यू होता है ना तो अच्छा लगता है। इसको मैं समर में पूरे एकदम कवर कर लूँगी, एकदम धूप ज़्यादा नहीं आएगा और ठंड ठंड मतलब जो गर्मी ज़्यादा भी नहीं लगेगा। तो देखिए पराठा बनकर तैयार हो गया है, फिर मैं बेटे को टिफिन में पैक कर दूँगी और हम लोग भी खा लेंगे। ये पराठा बन गया है, चटनी भी रेडी है और दही में रात को ना दही जमाई थी लेकिन पता नहीं दही ठंड के कारण नहीं जमा है। ये देख लीजिए चटनी आप लोग भी खा लीजिए, देखिए पराठा चटनी दही तो नहीं जमा, इसी से ही काम चला लेते हैं। मेरे बेटे को दही बहुत पसंद है लेकिन जमा नहीं। ये देख लीजिए दही एकदम दूध वैसे का वैसा ही है, तो इसी से ही काम चला लेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा है, सारे वेजिटेबल्स पे पराठे के अंदर है तो हेल्दी भी है, आप लोग भी खा लीजिए। अभी आती है बारी साफ सफाई की, दोस्तों जितना टाइम खाना पकाने में जाता है उससे ज़्यादा टाइम साफ़ सफाई करने में बहुत चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रोटी बनाई जो आटा गिरा है पूरा चारों तरफ आटा गिर गया है और तेल ये सब गिर गया, इसको साफ़ कट कर तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो पोछा लगा लेती हूँ। देखिए पूरा पोछा लगा और जितने भी वेजिटेबल्स के छिलके हैं ना मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ, मेरे बैकयार्ड में एक कंपोस्ट पीट बनाई हूँ वहाँ पर डाल देती हूँ, यहाँ पर या फिर यहाँ पर मैं देखिए खिड़की में जो प्लांट्स है तो उस साइड में भी डाल लूँगी तो ये खाद बन जाएंगे। तो उसको थोड़ा सा दबा लेती हूँ स्टिक के मदद से, तो ये धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद 15-20 दिनों में ये खाद भी बन जाएंगे, खाद का काम करेंगे। तो देखिए अभी विंडो खोलकर डाल लेती हूँ जितने भी प्याज लहसुन और जितने वेजिटेबल छिलके हैं डाल लेती हूँ। अभी देख लीजिए ये डाल दी हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत सारा फूल खिला है, इसे कैमरा में नहीं आ रहा है अच्छे से, ऊपर की तरफ और भी डाइंथस का जो प्लांट है बहुत सारे फूल खिले रंग बिरंगे, चार वेराइटी का डाइंथस है मेरे पास और बालकनी में भी और एक वेराइटी का है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बाहर का व्यू देखिए, सामने वाले का घर है और ये इस विंडो का काम खत्म। आपको लगता है यहाँ पर पानी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि गीला है मेरे प्लांट्स, तो कल एक दिन छोड़ के मैं दे देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं गिरता है ना अभी, लेकिन समर में ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा रोज़ रोज़, लेकिन अभी तो मैं दो दिन में एक बार दे देती हूँ तो चल जाएगा। तो आ जाते हैं अभी दूसरी वाली विंडो में, तो दूसरी वाली विंडो में देखिए जो अंदर के तरफ मेरे चार प्लांटर, हाँ चार प्लांटर में है, तो चार प्लांटर में जितने सारे प्लांट्स हैं तो मैं उसके अंदर है ना उसी प्लांटर के अंदर मैं थोड़े थोड़े मतलब छोटे छोटे कटोरी में पानी डालकर उसके अंदर इस विंडो के बाहर की तरफ भी कुछ प्लांट्स है, मिर्च का टमाटर का कुछ प्लांट्स है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।